प्राचीन समय की बात है। एक गुरुकुल में एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु विश्वनाथ रहा करते थे, जो गुरुकुल में अपने सभी शिष्यों को अस्त्र शस्त्र और संपूर्ण संसार की शिक्षा दिया करते थे। एक दिन गुरु विश्वनाथ ने अपने तीनों ब्राह्मण शिष्यों को अपने गुरुकुल में बुलाया। प्रणाम गुरुदेव, आज आपने हम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप आज कोई नई विधा सिखाने वाले हैं गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, क्या कोई ऐसी विद्या है जो हमने अब तक सीखी नहीं है? नहीं नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, तुम तीनों मेरे सभी शिष्यों में से सबसे बुद्धिमान और साहसी हो। आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हुई, कल से आप लोगों के जीवन का नया सूर्योदय होगा। मेरे प्यारे शिष्यों, अब तुमने मेरी दी हुई संपूर्ण शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब तुम तीनों जाओ और जाकर पूरे ब्रह्मांड में मेरी शिक्षा से अर्जित ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। हम धन्य हो गए गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार हम पूरे ब्रह्मांड में अपने ज्ञान का प्रकाश अवश्य ही फैलाएंगे गुरुदेव। तथास्तु, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। अब रात्रि काफी हो चुकी है, आप लोग जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। जो आज्ञा गुरुदेव। जिसके बाद वो तीनों शिष्य अपनी कुटिया में जाते हैं, जहाँ पर एक और शिष्य पहले से बैठा होता है। अरे मेरे प्यारे मित्रों, तुम देखना, मेरे ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड में एक अलग ही ज्ञान की ज्योति जागृत होगी, जिसके बाद सब लोग गुरुदेव के बाद मुझे ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझेंगे। हाँ प्रिय मित्रों, मैं तो ये सोचकर ही बहुत उत्साहित हो रहा हूँ कि मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान जब ब्रह्मांड में लोगों को पता चलेगा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो किसी के पास नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा ज्ञान भी जब ब्रह्मांड में फैलेगा तो मेरा भी काफी नाम होगा। हाँ इन तीनों की बातें उन्हीं के पास बैठा एक और शिष्य रमादास सुन रहा होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग पूरे ब्रह्मांड में गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान की रोशनी फैलाने जा रहे हैं, तो मुझे भी साथ ले चलिए। मैं भी आप लोगों की ब्रह्मांड की इस यात्रा को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, आप ले चलेंगे ना मुझे भी? अरे अरे, क्या तुम पागल हो गए हो रमादास? हम तीन ज्ञानियों के साथ तुम मूर्ख भला क्या करोगे? तुम्हें तो वैसे भी कोई ज्ञान की बात देरी से समझ आती है। तुम भला हमारे साथ कैसे चल सकते हो? तुम्हारी तो शिक्षा भी अभी पूर्ण नहीं हुई है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। अब नहीं नहीं प्यारे मित्रों, आप मुझे अपने साथ ले चलें। आप जैसे ज्ञानियों से मैं भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर लूंगा, अब ले चलिए ना मुझे भी अपने साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है रमादास, तुम चलो हमारे साथ, आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि हम तीनों कितने ज्ञानी हैं। अगली सुबह चारों शिष्य जंगल की ओर चल देते हैं और काफी दूर चलने पर उन्हें भूख लगने लगती है। अरे मित्रों, काफी समय हो गया है हमें चलते हुए, अब तो भूख भी लगने लगी है, अब कहीं रुककर भोजन की खोज करनी चाहिए। हाँ मित्र, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो आगे जंगल में, क्या पता वहाँ कुछ भोजन मिल जाए। तभी चारों शिष्य कुछ ही दूरी पर एक बड़ा पेड़ देखते हैं, जिस पर कई फल लगे होते हैं। ऊपर इस विशाल वृक्ष पर फल तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें खाएंगे कैसे? हाँ मित्र, फल तो काफी ऊंचाई पर है, लगता नहीं हम ये सुंदर फल खा पाएंगे। अरे अरे मित्रों, मेरे पास एक सुझाव है फल को खाने का। अरे देखो देखो मित्रों, सुझाव और इस मूर्ख रमादास के पास, वाह 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 वाह, बहुत ही उत्तम है, बहुत उत्तम। तीनों हंसने लगते हैं। तभी रमादास ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है और फल तोड़कर लाता है। मित्रों, आप सभी के पास किताबी ज्ञान है, लेकिन समय के अनुसार जो ज्ञान चाहिए होता है वो मेरे पास है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब हमें आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए मित्रों। जिसके बाद चारों शिष्य आगे जंगल की ओर जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक कंकाल नजर आता है, जिसकी हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। उन बिखरी हड्डियों को देखकर वे चारों हैरान हो जाते हैं। अरे ये देखिए मित्रों, आखिर ये किसकी हड्डियों के टुकड़े हैं जो इस तरह बिखरे हुए हैं? आखिर ये हड्डियां किसकी हो सकती हैं? अरे अरे मित्रों, मुझे तो ये हड्डियां अवश्य ही किसी जंगली जानवर की प्रतीत होती हैं।
अरे वाह वाह, देखो मित्रों ये मूर्ख रमादास क्या कह रहा है। अरे रमादास, तुम अपनी बुद्धि का उपयोग ना ही करो तो अच्छा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, समझे तुम। अब मैं तो अपने ज्ञान के अनुसार ही आप लोगों से कह रहा हूँ, अब जंगल में किसी जंगली जानवर की ही तो हड्डियां होंगी ना, ना कि किसी और की। अच्छा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे ज्ञान को रमादास, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो कि ये किस जानवर की हड्डियां हैं? मुझे तो इन्हें देखकर लगता है ये इस जंगल के राजा शेर की हड्डियां हैं। नहीं नहीं, मुझे तो ये हड्डियां किसी सियार की लगती हैं, किसी शेर की तो बिल्कुल नहीं। लगता है इस विधा का नाम सजग ज्ञान है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है मित्रों, अभी रात्रि होने ही वाली है, अब हमें विश्राम करना चाहिए, कल सुबह ही हम इन हड्डियों का पता लगाएंगे। सुबह होती है, तीनों फिर से उन हड्डियों के पास आते हैं। मुझे लगता है मेरे ज्ञान से सबसे पहले मुझे इन हड्डियों को एकत्र करना होगा। हे गुरुदेव, मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन सभी बिखरी हड्डियों को एकत्र कर सकूं। तभी वो बिखरी हुई हड्डियां एक पूर्ण कंकाल के रूप में जुड़ जाती हैं। अरे वाह मित्र, तुम्हारे ज्ञान ने यह कर दिखाया, तुमने बिखरी हुई हड्डियों को एकत्र कर दिया। वाह वाह, देखा रमादास, यही होती है ज्ञान की ताकत, जो तुम्हारे मूर्ख मस्तिष्क में कभी नहीं आएगी। मैं आपके इस ज्ञान से प्रभावित हुआ मित्र, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि आखिर ये हड्डियां किस जानवर की हैं। मित्रों मुझे ये लगता है कि अवश्य ही ये हड्डियां शेर की हैं। लेकिन क्या हमें इसे निश्चित करना चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अधूरा ज्ञान घातक होता है मित्र, इसलिए हमें ये पता करना ही होगा कि क्या वाकई ही ये शेर की हड्डियां हैं। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मित्रों। अरे अरे आप चिंता मत कीजिए, इसका ज्ञान तो मेरे पास है, मुझे प्राप्त हुई शिक्षा में मुझे ये विद्या प्राप्त है, मैं किसी भी कंकाल में मांस और चमड़ा वापस ला सकता हूं मित्रों। अरे वाह वाह मित्र, बहुत अच्छे, लेकिन अभी रात्रि होने वाली है, अब हमें विश्राम करना चाहिए, कल सुबह ही तुम अपनी इस विधा का उपयोग करना। जिसके बाद तीनों जंगल में ही सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों फिर से उसी कंकाल के पास आते हैं। चलो हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए मित्रों। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपकी दी हुई शिक्षा द्वारा मैं कंकाल में मांस और चमड़ा भर सकूं। कि तभी उस कंकाल में मांस और चमड़ा आ जाता है, ये देखकर दोनों शिष्य खुश हो जाते हैं। अरे वाह वाह मित्र, तुमने ये कर दिखाया, तुम्हारी ये विधा अद्भुत है। वाह वाह, देखो देखो रमादास, तुम्हें हमारे साथ ऐसी ही अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ 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 मित्रों, मैं आप लोगों के ज्ञान को मान गया हूँ, आपके पास जो विधा है वो इस संसार में किसी के पास नहीं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अरे नहीं नहीं रमादास, अभी तो तुमने मेरी खास विधा देखी नहीं, जो गुरुदेव ने सिर्फ मुझे ही दी है, आखिर मैं उनका सबसे बुद्धिमान शिष्य जो हूँ। खास विधा, वो कौन सी विधा है मित्र जो गुरुदेव ने हमें नहीं दी, बताओ हमें। अरे अरे मित्र, वो विधा तो सिर्फ मेरे ही पास है, जिसका उपयोग मैंने अभी तक नहीं किया। मेरे पास प्राणदान की विधा है, इसके द्वारा मैं किसी भी मृत शरीर में प्राण डाल सकता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं मित्र, ऐसा घोर पाप मत कीजिए, ये नियति के विरुद्ध है मित्रों। हमारे गुरुदेव ने जो बोला था क्या आप वो भूल गए हैं? जो ज्ञान आप लोगों ने गुरुदेव से अर्जित किया है वो ज्ञान इस ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है, ऐसा मत कीजिए, ये करना सही नहीं होगा। देखो मूर्ख रमादास, तुम्हारी तो अभी शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई है, हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। अगर हम किसी मृत शरीर में प्राण लौटा देते हैं तो क्या यह ब्रह्मांड के कल्याण के लिए उचित नहीं होगा? नहीं नहीं मित्र, इस संसार में हर प्राणी जगत के नियम अनुसार ही अपने प्राण त्याग करता है, अगर आप लोग इस जानवर के कंकाल में प्राण लौटा देंगे तो यह प्रकृति के विरुद्ध होगा, इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। नहीं नहीं, यह उचित नहीं। अरे मूर्ख रमादास, तुम क्या समझते हो, तुम हम तीनों से ज्यादा ज्ञानी हो,
तुम्हें हमसे ईर्ष्या हो रही है ना कि हम इस कंकाल में प्राण लौटाकर पूरे संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली साबित हो जाएंगे। चले जाओ यहां से, तुम हमारे साथ रहने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो, तुम जाओ यहां से। अरे नहीं नहीं मित्रों, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को अपना मित्र मानता हूं, मैं आप लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूं। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं, तो मैं आपसे दूरी बनाकर आपके साथ रहूंगा। जिसके बाद रमादास वहां से कुछ दूरी पर चला जाता है और उन तीनों को देख रहा होता है। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि आपसे प्राप्त विद्या के द्वारा मैं इस कंकाल में प्राण लौटा सकूं। तभी इस कंकाल में प्राण आ जाते हैं, जो कि एक बेहद ही खूंखार शेर के रूप में सामने आता है और उन तीनों शिष्यों को खा जाता है। ये सब रमादास दूर खड़ा उदासी भरी नजरों से देख रहा होता है। हाय हाय मित्रों, ये आपने क्या किया? सिर्फ किताबें पढ़ने से ही संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, हमें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। हाय, ये क्या हो गया?